गुड मॉर्निंग यारो, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं समझपुर पक्षी विहार। तो अभी मैं चल के जा रहा हूँ, देखते हैं भाई पक्षी उक्षी मिलते नहीं है क्योंकि गर्मी होने लगी है। शायद मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ भाई काफ़ी। तो चलो चल के देखते हैं भाई कैसा बना है समझपुर पक्षी विहार। और ये देखो सामने बड़ा सा गेट दिख जाएगा, छोटा सा या बड़ा सा भी कह सकते हो, और लिखा हुआ दिख जाएगा समझपुर पक्षी विहार। अब इसके अंदर भी हमको चलना है काफ़ी दूर तक। कितना किलोमीटर में फैला है देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा एरिया में भी फैला हुआ है ना। तो यारो हम लोग समझपुर पक्षी विहार पहुंच चुके हैं, वहाँ गेट से एंट्री कर लिया है भाई। अभी हमको चल के थोड़ी और आगे चलना है, एक दो किलोमीटर करीब और चलना है। अगर बात की जाए समझपुर पक्षी विहार की ना, तो ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में। सलोन नामक एक जगह है, वहाँ से आपको 8 किलोमीटर आना पड़ेगा समझपुर पक्षी विहार के लिए भाई। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और ये पूरा 780 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको 250 से ज़्यादा प्रजाति देखने को मिल जाएगी पक्षियों की, जो ठंडियों के महीने में रसिया साइबेरिया से आते हैं भाई, 5,000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत में आते हैं ठंडियों के महीने में। अगर प्रवासी पक्षियों की बात की जाए तो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर पिनटेल, कॉमन टील, यूरेशियन बिजन। और अगर देसी पक्षियों की बात की जाए तो आपको यहाँ पर किंगफिशर और आर्टिकल ही पढ़ रहा था मैं तो, कहते हैं गिद्ध भी देखने को मिलता है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गिद्ध देखने को मिलेंगे भाई। तो ये सारी चीज़ें थी भाई यहाँ पर, और चल के देखते हैं भाई। अभी शायद यहाँ एंट्री टिकट भी लगता है भाई, अब पता नहीं कितना रुपया एंट्री टिकट लगता है, चल के पता करते हैं और पक्षी देखते हैं। अगर दिख गए तो भाई अपनी किस्मत अपनी मेहनत भाई सफल हो जाएगी, और अगर नहीं दिखेंगे भाई तो अपना तो घाटा लग जाएगा भाई, क्योंकि इतनी दूर से मैं भाई चल के आ रहा हूँ, पैदल पैदल सफ़र कर रहा हूँ। तो चलो चल के देखते हैं पक्षी विहार। यहाँ सामने आपको दिख जाएगा पार्किंग का बोर्ड, और बात कीजिए पार्किंग एरिया कहाँ है तो ये रहा सामने, वो पार्किंग एरिया है, उसके पीछे बड़ा सा झील है। लेकिन अभी हम लोग चलेंगे टिकट लेके भाई, और यहाँ पे आपको बोर्ड दिखा हुआ, बोर्ड में लिखा हुआ दिख जाएगा 2020-21 में हेरिंग गुल पक्षी का नाम है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे ब्लैक ईगल, ये है ब्लैक ईगल, ये सब बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे भाई। तो यारो हमने टिकट ले लिया है, मुझे एक टिकट पड़ा 20 रुपये का। अगर पार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर पार्किंग का बाइक का 20 रुपये पड़ता है, और शायद साइकिल फ्री है भाई। तो अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, और मैं चल के दिखाता हूँ आपको पक्षी विहार कैसा बना हुआ है, कितना अच्छा बना हुआ है। ये सामने आपको मैप दिख जाएगा, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, किस एरिया में क्या चीज़ें हैं देखना है तो देख सकते हो। हम लोग चल के देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है बोट घाट व्यू शेड। तो चल के देखते हैं भाई, ये थोड़ा पार्किंग एरिया का टाइप का है, और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है। पक्षी विहार में पधारने का आपका स्वागत है, और देखते हैं भाई हम लोगों को पक्षी नज़र आते हैं कि नहीं। राम राम चचा, पक्षी पक्षी हैं कि नहीं, भाग गए सब। तो यह ऐसा कुछ नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा देखने का। ये कौन सा घास है, पानी वाला है ना? हाँ, इसमें ढेर सारे आपको बस जलकुंभी नज़र आ रहे होंगे और कुछ नहीं भाई। और धूप काफ़ी हो गया है तो पक्षियाँ शायद छाँव में चली गई होंगी बैठने के लिए, जो कुछ बची होंगी यहाँ पे। ऐसा कुछ नज़ारा है, पानी दिख नहीं रहा जलकुंभी के मारे। और यहाँ पर जामुन का पेड़ लगा है, और ये बैठने के लिए यहाँ पर ये व्यू पॉइंट है, ये चाचा जी। तो अभी टिकट लेते टाइम बात हो रही थी वहाँ पे, तो बता रहे थे कि अभी 2-4 दिन पहले आए थे कुल साइबेरियन गूज या ग्रूज बोला जाता है, वो आए थे, लेकिन अब चले गए भाई। और थोड़ा लेट हैं, थोड़ा क्या बहुत लेट हो गया भाई, तो पक्षी नज़र नहीं आ रहे हैं। उतना कुछ खास डेवलप है नहीं, क्योंकि भाई ना साधन आने के लिए नहीं है, ना कुछ है इधर आने के लिए भाई, तो बड़ा दिक्कत होता है भाई। और ऑफ सीजन में आओगे देखने के लिए तो भाई और परेशानी होगी, ठंडियों के महीने में तो चल जाता है, बट इस समय अवॉइड करना आने के लिए लास्ट मार्च अप्रैल में भाई बड़ी दिक्कत होती है भाई। तो ना ही आना तो ज़्यादा बेहतर होगा।
आना तो ठंडियों के महीने में, जब सीजन पीक पे होगा, ठंडी ठंडी मौसम, हवा चलेगी, तब आ सकते हो, देख सकते हो और मज़े कर सकते हो भाई यहाँ पर। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए हम साथ निभाना सारस पक्षी का तरह सीखें। हम चल के देखते हैं यहाँ से व्यू पॉइंट से, अगर देखने को चाहिए तो क्या नहीं देखेंगे। हेलो, ये बुक होता है क्या? तो यहाँ पर कौन आके बैठता है? अधिकारी, अधिकारी लोग यहाँ बैठते हैं। ये वॉशरूम है, ये सोफा लगाया बैठने के लिए, और यहाँ से अधिकारी अधिकारी आते हैं गवर्नमेंट के। तो ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से, यहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा यहाँ से, ये व्यू पॉइंट का, ये देखो। तो अभी हम लोग रूम में चले गए थे जहाँ पर अधिकारी गण बैठा करते हैं भाई। दो सोफा लगा है, एक टेबल है चाय पीने के लिए, मस्त बाहर मिरर लगा हुआ है, व्यू पॉइंट है, वहाँ से आप पक्षियों को देख सकते हो, और एक बढ़िया सा वेस्टर्न वाटरूम है, वॉशरूम है, लैट्रिन है हगने वाला। और चलते हैं भाई, थोड़ा हवा चल रहा तो अच्छा लग रहा है, वरना भाई गर्मी तो जी फाड़ है भाई। ये कुछ आपको दिख जाएंगे अपने देसी पक्षी, कबूतर, जंगली कबूतर कह सकते हो आप, जंगली कबूतर। हे मेरे हम सफर, क्या से क्या हो गया। अब तो लग रहा है ना भाई। और वहाँ पर आपको बड़ा सा झील दिख जाएगा, इधर तो पानी वाले जलकुंभी हैं, उस साइड में वहाँ पर आपको झील नज़र आ रहा होगा, पीछे एक गांव नज़र आ रहा होगा, और इधर जाने का रास्ता तो भाई बना नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, और काफ़ी धूप भी है भाई। भाई पागलों की तरह घूम रहा हूँ पक्षी विहार के अंदर भाई, कड़ाके की धूप है भाई, पक्षियाँ एक भी नज़र नहीं आ रही हैं, दबा के गर्मी हो रही है, और मैं पागलों की तरह यहाँ घूम रहा हूँ। आप पीछे सब मेरे देख पा रहे होंगे, ये सब देखो साइड साइड में, ये सब खेती बाड़ी की जाती है यहाँ पर, इसमें धान की फसल लगी हुई है, और आपको आवाज़ आ रही होगी चिड़ियों की, तीतर की, टिट्टी टिट्टी, पता नहीं क्या बोलते हैं, वही आपको नज़र आएंगे। तो कुछ आपको मैं झाड़ियों में ले चलता हूँ, सामने आपको वॉच टावर दिख रहा होगा, वहाँ से चल के देखेंगे भाई पास का झील। तो यारो अभी बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी, तो अभी छाँव में बैठ के आराम कर रहा हूँ भाई। और आप पीछे मेरे देख सकते हो, ये है जलकुंभी, और जलकुंभी के पीछे आपको पूरा झील नज़र आ रहा होगा, देख सकते हो पूरा ये झील है, और इसमें मुझे एक भी पक्षी ढंग से नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं एक बगुला बैठा है जो इस कैमरे में नज़र नहीं आएगा, और ये पूरा झील का आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है भाई। झील देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा फैला है उस एरिया तक। तो यारो ऐसा कुछ आपको झील नज़र आ रहा होगा, ये देखो पीछे उस झील के उस साइड कोई गांव है शायद, और यहाँ पर सामने आपको झील नज़र आ रहा होगा। आपको शायद कुछ पक्षी नज़र आ रहे होंगे, देखो वहाँ पे उड़ते हुए, वो ये पता नहीं कौन से पक्षी हैं भाई, चलो कुछ तो नज़र आए भाई, वहाँ बीच में बैठ गए, और यहाँ से सब उड़ते हुए जा रहे हैं, ये देखो ये यहाँ से सब उड़ते हुए जा रहे हैं, और वहाँ जाके बीच में कुछ पक्षी बैठे हुए हैं झील में। चलो कुछ तो नज़र आए भाई लोग देखने के लिए पक्षी, वरना ऐसे चले जाते तो भाई अपनी मेहनत बेकार हो जाती भाई लोग। वहाँ पर झील में एक पक्षी नज़र आ रहा होगा भाई, और ये देखो उड़ते हुए जा रहा है पक्षी, ये रहा, और यहाँ पे बीच में कहीं एक पक्षी मछली पकड़ के खा रहा, दुबकी लगा रहा भाई। हम जूम करके देख लेते हैं भाई कहाँ पे है, साला नज़र नहीं आएगा भाई। और वहाँ पे ढेर सारे पक्षी नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे जो ही दिखाया था पीछे बैठे हुए हैं ढेर सारे पक्षी वहाँ बीच में, और कोई बड़ा सा पक्षी नज़र आ जाए देखने के लिए बगुला टाइप का तो मज़ा आ जाए भाई। वहाँ पे एक पक्षी है, वो देखो नज़र आ गया होगा, जलकुंभी के बीचों बीच में है,
और बाकी सब कबूतर नज़र आ रहे होंगे आपको, और उस साइड में बीच में कहीं बैठे हुए हैं ढेर सारे पक्षी वहाँ सामने, और यहाँ पे ये बैठा हुआ है एक पक्षी, ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, साला गायब हो जा रहा है, बताओ हमको नज़र नहीं आ रहा है। वो रहा, वो देखो उड़ के गया, वो जा रहा। और ये सामने आपको बड़ा सा वॉच टावर नज़र आ जाएगा, ऊपर का व्यू देखना चाहते हो जाके देख सकते हो, और ये सामने दिख जाएगा आपको, ये रहा पक्षी व्याख्या केंद्र। शायद बंद है अभी, ताला पड़ा हुआ है वहाँ पे। अगर जानना चाहते हो कि इसके अंदर कौन कौन से पक्षी आते हैं तो उनके बारे में डिटेल से दिया गया होगा। और यहाँ लॉन बनाया बैठने के लिए, और यहाँ पर आपको ये सारस नज़र आ जाएंगे बने हुए, बस यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। चलो मैं चल के आप लोगों को दिखाता हूँ नील गाय। आए हैं तो भाई कुछ तो देख लें, वरना खामा खा आना बेकार हो जाएगा अपना। वो देखो भागने लगा। चल के पास से दिखा देता हूँ मैं, हग रहा भाई, हग रहा हग रहा। कह रहा सतला हमको हगने भी नहीं देगा ढंग से। वो देखो ये एक और है भाई, पक्षी ना सही यारो। जो जानवर दिख जाए भाई अपने वीडियो में ऐड कर लेते हैं भाई। अभी आपने पीछे देखा नील गाय दो थी भाई, एक हग रहा था या हग रही थी, आई डोंट नो। तो सारी चीज़ें कवर करते हैं भाई, क्योंकि पक्षी उतने नज़र नहीं आएंगे नहाए देखने के लिए। तो वीडियो को थोड़ा सही बनाने के लिए भाई कुछ मोमेंट तो कैप्चर करना पड़ेगा थोड़ा बढ़िया बढ़िया, तो वही कोशिश कर रहा हूँ भाई कि थोड़ा अच्छा हो जाए। तो जो नील गाय पक्षी चाहे देसी हो चाहे पारवासी हो सबको कवर करते हैं, और आपको मेरे किनारे किनारे बढ़िया से चलने का रास्ता मिल जाएगा। पक्षियों के बोर्ड लगे हैं, और ये पता नहीं कौन सा ये फूल है भाई ये। तो यारो हमने पूरा तो क्या, जो जो चीज़ें देखने लायक हैं झील के किनारे सिर्फ वही चीज़ें देखी भाई हम लोगों ने। इतना बड़ा एरिया है भाई, 780 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 80 किलोमीटर एरिया शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता, हेक्टेयर में केवल पढ़ा था भाई 780, तो वही है इतना बड़ा एरिया है भाई। तो कहाँ तक घूमोगे भाई, तो जो मेन चीज़ें थी झील के किनारे किनारे केवल वही चीज़ें जाके हम लोगों ने देखा, और इतनी गर्मी में भाई हिम्मत भी नहीं होती है कि पूरा एरिया जाके हम लोग कवर करेंगे या देखेंगे। तो जो मेन चीज़ें थी मैंने कवर कर लिया भाई, और पक्षी तो हमको उतने नज़र नहीं आए, कुछ कबूतर कुछ कौवा कुछ बगुला, और एक थोड़ा छोटा सा झुंड था 40-50 पक्षियों का वो देखने को मिला, दो तीन अपने को क्रेन देखने को मिल गए, बस यही सारी चीज़ें थी भाई। बाकी जगह जगह वॉच टावर आपको देखने को मिल जाएगा। टिकट का बात की जाए तो टिकट 20-30 रुपये है, पार्किंग का 20 रुपये है, और विदेशियों के लिए 350 रुपये है पर व्यक्ति पर डे अगर आओगे तो आप लोगों को लगेगा भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, मुझे ठीक ठाक लगा, उतना कुछ खास नहीं लगा, शायद मैं थोड़ा ऑफ सीजन आया हूँ देखने के लिए भाई। तो यारो ये था समक्षपुर पक्षी विहार जो अभी आपने पीछे देखा भाई। अभी मुझे बहुत तेज़ भाई गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रहा है, और इतनी गर्मी में ब्लॉगिंग करना भाई मेरी बस की नहीं हो रही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ भाई।